तो खान साहब, हकीकी आजादी के बारे में आपका क्या तसव्वुर है, क्या विजन है? हकीकी आजादी के तीन पहलू हैं। एक सॉवरेंटी, यानी एक कौम की फॉरेन पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए फैसले करती है, यानी किसी की जंग में शामिल नहीं होती। अगर रूस सस्ता तेल दे रहा है तो वो लेती है किसी और कौम को खुश करने के लिए नहीं। यानी जो फैसले अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं, सॉवरेंटी जिसको कहते हैं, एक पहलू ये है। दूसरा, इंसाफ लोगों को आज़ाद करता है। जब मेरे एक मुल्क का इंसाफ का निज़ाम मेरे हकूक़ की हिफाजत करता है, कमज़ोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो लोग आज़ाद हो जाते हैं, उनका पोटेंशियल आज़ाद हो जाता है। तो जो इंसाफ है वो आपको आज़ाद भी करता है, खुशहाली भी देता है। और जो तीसरा पहलू इसका है वो अंदरूनी आज़ादी है, और वो हमारा दीन देता है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आज़ाद किया था ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा के, कि जब आप एक दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, आप असल में अपनी आज़ादी का दावा करते हैं।